नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम डेट को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी न्यूज़ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ आप बने रहें। और इसी के साथ दूसरा अपडेट भी मैं आपको देना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के पास भी ये न्यूज़ अब पहुँच चुकी है कि जो विद्यार्थियों की और शिक्षक संघों की जो मांगे हैं उससे जुड़ा हुआ अपडेट भी उन तक पहुँच चुका है। तो ये देखिए, अभी कुछ ही देर पहले जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष पूजा वर्मा जी ने अपने फेसबुक पेज पर ये कुछ जानकारी यहाँ पर उन्होंने पोस्ट की है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या जानकारी दी गई है। व्याख्याता भर्ती को लेकर 30 नवंबर को राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर 10 बजे शांतिपूर्ण धरना दिया जाएगा। आप सबसे उम्मीद है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर धरने को सफल बनाएं। पूजा वर्मा, राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष। अभी कुछ ही देर पहले इन्होंने ये अपने फेसबुक पेज पे ये न्यूज पोस्ट की है और विद्यार्थियों का समर्थन भी देखा जा रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, इन्होंने भी ये न्यूज अभी कुछ ही देर पहले, यहाँ पर आप देख सकते हैं 37 मिनट्स, यहाँ देख लीजिए आप, कुछ ही देर पहले ये न्यूज पोस्ट की है। तो ये 30 नवंबर पे को कल राजस्थान विश्वविद्यालय में फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाने को लेकर, साथ ही पदों में बढ़ोतरी करने के लिए धरना प्रदर्शन कल किया जाएगा। और इसी के साथ आज का अपडेट आप देख सकते हैं, ये देखिए आज ही की न्यूज़ है ये भी, इसमें क्या जानकारी दी गई है। प्राध्यापक स्कूल भर्ती परीक्षा 2018, ये लीजिए देख लीजिए, प्राध्यापक स्कूल भर्ती परीक्षा 2018 परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं विभिन्न संगठन, और इन विभिन्न संगठनों ने मुख्यमंत्री जी के पास ये मैसेज पहुंचा दिया है। अब देखिए इस न्यूज़ में ये जानकारी भी दी गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से 3 से 13 जनवरी 2020 तक आयोजित की जाने वाली प्राध्यापक स्कूल भर्ती परीक्षा 2018 को आगे बढ़वाने के लिए विभिन्न संगठन मांग कर रहे हैं। राजस्थान एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन की ओर से गुरुवार को जयपुर में CM अशोक गहलोत और सांसद किरोड़ी लाल मीणा को ज्ञापन देकर परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने की मांग की है। यानी मुख्यमंत्री जी और किरोड़ी लाल जी मीणा को ज्ञापन दिया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं न्यूज़ में बिल्कुल ये क्लियर मेंशन है। अब आगे आप देखिए आगे क्या है। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष पूजा वर्मा ने भी परीक्षा तिथि आगे बढ़वाने के साथ पदों की संख्या में बढ़ोतरी करने की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहर सिंह सलावत ने बताया कि इस भर्ती में लगभग 1 लाख तृतीय श्रेणी एवं वरिष्ठ शिक्षकों ने राजपत्रित अधिकारी बनने के लिए आवेदन किया है। इनमें से अधिकांश वर्तमान में BLO का कार्य कर रहे हैं। दूसरी ओर आगामी चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम संचालित है, जिनमें 24 दिसंबर तक मतदाता सूचियों पर आपत्ति लेनी है, 10 जनवरी तक इनका निस्तारण करना है, 20 जनवरी तक मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन करना है, और आपका एग्ज़ाम जो होना है वो 3 से 13 जनवरी जो RPSC ने प्रस्तावित कर रखा है। तो यहाँ पर शिक्षकों ने अपनी परेशानियाँ मुख्यमंत्री जी के साथ शेयर की है, जिससे BLO कार्य में लगे शिक्षकों को अध्ययन के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल रहा है। संघ ने मांग की है कि 3 जनवरी से प्रस्तावित स्कूल प्राध्यापक भर्ती परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाया जाए, और पूजा वर्मा ने कहा कि इस भर्ती में पदों की संख्या को बढ़ाकर 5,000 से 10,000 कर दी जाए, और अगर पदों की संख्या को भी यहाँ पर सरकार बढ़ाती है तो आप सभी के सिलेक्शन के चांसेस भी डबल होते हैं। और आपके लिए एक और अपडेट देखिए, प्रदेश के मूल निवासियों को प्राथमिकता देने के मामले में CMO ने मांगी रिपोर्ट। जो विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि बाहरी राज्यों का जो कोटा है वो भी कम किया जाए, उसको लेकर भी CMO ने रिपोर्ट मांगी है। तो ये आज के 2 अपडेट आप देख सकते हैं। और कल जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी 30 नवंबर प्रातः 10 बजे विद्यार्थियों के द्वारा यहाँ पर मांग की जाएगी, शांतिपूर्वक तरीके से मांग की जाएगी। तो ये अपडेट था और उम्मीद है जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। और लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, साथ ही टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर भी अपडेट आप प्राप्त करते हैं, उसको भी ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।